हाय स्टूडेंट्स दिस इज जेनिज फोडाई फ्रॉम विस्डम कॉमर्स क्लासेस एंड वेलकम टू आवर वीडियो ऑफ अकाउंट सोडे वी स्टार्ट विद इज गिवन ऑन पेज नंबर टू हंड्रेड एंड टू राजेश राकेश एंड महेश पार्टनर्स थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइनटीन बैलेंस शीट प्रोसेस फॉलोज सो इक्वल पार्टनर्स मतलब तीनों का प्रॉफिट चाइन रेशियो इक्वल होगा सो फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है राजेश राकेश महेश सो तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा नेक्स्ट इज संस एज इट इज लाइब्रेरी में चला जाएगा बिल्स पेबल बैंक लोन भी लाइब्रेरी में चला जाएगा लैंड एन बिल्डिंग फर्नीचर डेटर स्टॉक सारा का सारा असेट में चला जाएगा और कैश हम देख लेंगे स्टूडेंट्स इसमें एडजस्टमेंट है या नहीं है एडजस्टमेंट होगा तो अलग से अकाउंट बनाएंगे अदरवाइज असेट में डाल देंगे मूविंग फॉरवर्ड एडजस्टमेंट मिस्टर राजेश डाइड ऑन थर्टी जून सो जो फर्स्ट पार्टनर है वो मर गया थर्टीए जून को मतलब उसने कितने महीने काम किया तीन महीने अप्रैल मई और जून एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अग्रीड फर्स्ट इज फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड एट मार्केट प्राइस सो so, फर्नीचर का अमाउंट कितना थ्री लैख फोर्टी हो गया स्टूडेंट्स सो so, बहुत अच्छी बात है अमाउंट बढ़ गया है तो ऐड करेंगे ऐड टू अ सेट और अच्छी बात है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड सेकेंड लैंड एंड बिल्डिंग ऑस बी भी डेप्रीशिएटेड अच्छा डेप्रीशिएट करना मतलब वैल्यू क्या हो जाता है कम हो जाता है सो so, लेस करेंगे असेट में से और बुरी बात है ओ क्या हो गया असेट की वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड थर्ड वन प्रोवाइड आर डी फाइव परसर्स तो so, डेटर्स में से लेस करेंगे एडिट को लेस फ्रॉम डेटर्स और फिर से एसेट कम हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड एंड फाइनली फोर्थ वन स्टूडेंट्स द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड तो हमें राजेश का प्रॉफिट फाइंड करना होगा जितने टाइम उसने काम किया ओके okay, सो so, उसका प्रॉफिट कितना है वन लाख एटी दिया हुआ है पिछले साल का काूम करेंगे और कितने महीने काम किया थ्री मंथ्स काम किया उसका जो शेयर रहेगा इक्वल मतलब वन अपॉन थर्ड उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे और कितना इफेक्ट आएगा स्टूडेंट्स दो इफेक्ट आएगा ऑब्वियसली राजेश इज द क्रेडिटर वो पार्टनरशिप फर्म का क्रेडिटर है बिकॉज हमें उसको पैसा देना बाकी है सो राजेश के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे लेकिन अब फिलहाल वो पैसा अब मेरे पास पड़ा है तो मैं उसको क्या करूँगा कैश में मतलब असैट में डाल दूंगा सो राजेश अकाउंट क्रेडिट साइड और असैट साइड सो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे सब अकाउंट बनाने हैं प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल अपना बैलेंस शीट बनाना है हमें कैश और गुडविल अकाउंट की जरूरत नहीं है सो लेट्स स्टार्ट विद द सम स्टूडेंट्स

राकेश महेश और यहां भी हम लिखने वे राजेश राकेश और महेश सो स्टूडेंट्स ये कौन सा ईयर है हमारा थर्टी फर्स्ट मार्च टूजेंड नाइनटीन ही वॉज डाइड ऑन 30th एथ जून सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एज ऑन 1st जुलाई लिखने वाले एज ऑन 1st जुलाई एज ऑन 1st जुलाई 2019 लिखने वाले हम ओके सो बायलेंस लॉट टर्म कितना आएगा स्टूडेंट्स पांच लाख दो लाख दो लाख सो फाइव लैक्स टू लैक्स एंड टू लैक्स मूविंग फॉरवर्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है हमें क्रेडिटर्स ऑस्ट्रेन सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है सो so, हम उसको अमाउंट को बाहर लिखेंगे नाइनटी थाउजेंड एज इट इज आफ्टर दैट क्या दिया हुआ है बिल्स पेबल दिया हुआ है बिल्स पेबल बिल्स पेबल का अमाउंट है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट इज बैंक लोन उसको भी एस एड इज लिखेंगे बैंक लोन और अमाउंट दिया हुआ है नेक्स्ट इज ऑन द सेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग में स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है सो आई राइट ओवर लैंड एंड बिल्डिंग और अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स स्टूडेंट फोर लाख रुपीज इसमें एडजस्टमेंट है नेक्स्ट इज फर्नीचर और फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है सो so फर्नीचर का अमाउंट इज थ्री लाख रुपीज नेक्स्ट इज डेटर्स और डेटर्स में भी एडजस्टमेंट ए स्टूडेंट और अमाउंट आएगा अगेन थ्री लाख रुपीज स्टॉक और स्टॉक में हमें फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ स्टूडेंट तो एस एड इज बाहर लिख देंगे वन लाख रुपीज पूरा कैश में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट तो हम कैश अकाउंट में नहीं लिखेंगे इसको इट इज में ही डाल देंगे वन लाख रुपीज सो मूविंग फॉरवर्ड मिस्टर राजेश डाइड ऑन थर्टी जून सो हमने बैलेंस ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई बनाई है सबसे पहले so, क्या था फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड एट इट्स मार्केट प्राइस थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड सो फर्नीचर का स्टूडेंट्स क्या हो गया इसका वैल्यू एड करेंगे रीवैल्यूएशन और अमाउंट कितने से एड होगा स्टूडेंट्स फोर्टी थाउजेंड रुपीज होने वाला है विच कम्स टू थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड सो आई मोड राइट ऑफ योर ये बहुत अच्छी बात है अ बढ़ गया सो सेकंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट और मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर लिखूंगा अमाउंट कितना है फर्नीचर का फोर्टी थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट इज आफ्टर दैट वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रीसिएटेड करेंगे लेस एट द रेट सो कितना 40, रुपीस. So लिखेंगे थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज और यहां क्या हुआ स्टूडेंट्स हमारा सेट कम हो चुका है तो ये तो बुरी बात है सो so हम यहां पे डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन अकाउंट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट और डेप्रीसिएशन किसको किया हमने ड नाव no, yeah. so, okay. so, आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा डेटर्स लिखेंगे प्रोवाइड आर डी डी फाइव परसेंट ऑन डेटर्स यहां so, लिखूंगा लेस आर डी डी एट द रेट फाइव परसेंट एंड थ्री लैख का टेन परसेंट होता है थर्टी थाउजेंड उसका आधा तो पंद्रह हजार रुपए आरडीडी हो गया स्टूडेंट्स फाइव परसेंट तो दैट तो कम्स मच टू लैख तो एटी फाइव थाउजेंड सो आरडी हमारे लिए नुकसान होता है तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे टू आर अकाउंट और अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स पंद्रह हजार रुपए मूविंग फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड एडजस्ट नंबर फोर में लिखा है स्टूडेंट्स दैट द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर Is to be calculated on the basis of last year's profit which was वन lakh एटी थाउजेंड सो क्वाइट सिंपल यहां पर गुडल अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं थी स्टूडेंट्स हमें सिर्फ वर्किंग नोट करना है I am going to write over योर working note और वर्किंग नोट में स्टूडेंट्स फर्स्ट वन हम क्या करेंगे हमें क्या करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ राजेश सो मिस्टर राजेश की डेथ हुई है राजेश और कितना स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू राजेश शेयर राजेश इंटू टाइम ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन ओके सो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हम लोग को हम क्या करेंगे लास्ट जगह जितना प्रॉफिट है उतना ही इमेजिन करेंगे इस बार भी है एस्यूम करेंगे वन लैक एटी इंटू राजेश का शेयर कितना इक्वल है सो वन पॉइंट थ्री इंटू टाइम ड्यूरेशन कितना था स्टूडेंट्स थर्टी जून सो अप्रैल पूरा मे पूरा जून पूरा दैट इज थ्री अपॉन सो ये कट ये कट नाउ वन लैख एटी थाउजेंड डिवाइड बाई करना है सो विच कम्स ट्रू आउम लैख ट्वेंटी दिस इज बी समथिंग थाउजेंड रुपीज आएगा ओके सो फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज अमाउंट है स्टूडेंट्स सो so, अब हम फिफ्टीन थाउजेंड को कहा लिखेंगे mm, सबसे पहले क्या हो गया हमारे लिए क्या हो गया क्रेडिटर हो गया राजेश तो इसको यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे कितना आएगा राजेश ओके राजेश इज द हमारा फर्स्ट पार्टनर है अमाउंट आएगा पंद्रह हजार रुपए और इस ये पैसे फिलहाल हमारे पास पड़े स्टूडेंट्स तो इसको हम कैश असेट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट आएगा पंद्रह हजार रुपए ओके स्टूडेंट्स यहां पे भी हमने पंद्रह हजार लिख दिया यहां पे भी हमने पंद्रह हजार लिख दिया है एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हमारा यहां पे सम हो गया है कंप्लीट हम क्या करेंगे सम को टैली करेंगे सो so, यहां पे हमने एक भी वर्किंग नोट नहीं बनाया तो डायरेक्टली सम को टैली करेंगे साइड इज ऑफ कोर्स माय डेबिट साइड इज हवी आई कैन सी दट फिफ्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी प्लस फिफ्टीन कम्स टू फिफ्टी फाइव यहां पर थाउजेंड इस 15000 को तीनों पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है तो दैट कम्स टू 5000 5000 एंड फाइव थाउजेंड रुपीज सो राइट द नेम ऑफ ऑल द्री पार्टनर्स राजेश राकेश महेश राजेश राकेश महेश सो मैं यहां क्या लिखूंगा बाई यहां नेट लॉस हुआ बिकॉज डेबिट साइड है भी है नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो so, यहाँ पे नेट लॉस हुआ है स्टूडेंट ओके तो नेट लॉस यहां से क्रेडिट तो यहां पे डेबिट में आएगा टू नेट लॉस ब्रॉड डाउन अमाउंट आएगा फाइव थाउजेंड रुपीज इच अब यहां पे क्लोज करेंगे टू लैख टू लैख दिया हुआ है एज इट इज लिख देंगे तो टू लैख टू लैख यहां पे भी, भी आएगा टू लैख टू लैख रुपीज टू लैख माइनस फाइव थाउजेंड कम्स टू वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड उजेंड like और ये कितना है स्टूडेंट्स वन लाख अच्छा फाइव लैक्स पंद्रह हजार हो गया पांच लाख पंद्रह हजार पांच लाख पंद्रह हजार और माइनस पांच हजार सोट हो गया टेन थाउजेंड सो ये सब हमारे लिए क्या है बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट्स दो पार्टनर राकेश और महेश तो अभी भी पार्टनर है तो उसको एज इट इज टू बैलेंस डाउन लिख देंगे वो हमारे अभी भी पार्टनर है बट अब ये जो पांच लाख हजार है वो हमें किसी को देना है ऑब्वियसली राजेश को नहीं दे सकते बिकॉज वो तो मर चुका है तो राजेश के राजेश एग्जीक्यूटर को दे देंगे एग्जीक्यूटर और लोन वर्ड लिखेंगे लोन अकाउंट सो so, अब बैलेंस शीट पे आते हुए स्टूडेंट्स मैं यहां क्या लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो पार्टनर जो बच चुके हैं राकेश और महेश राकेश और महेश का नाम लिखूंगा उनका अमाउंट कितना है वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड कुछ कम स्टॉम मच वन टू थ्री फोर जीरो वन कैरी नाइन प्लस एटीन नाइनटीन वन कैरी थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड और यहां पे क्या आएगा राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स पांच लाख दस हजार रुपये पांच लाख दस हजार रुपए और फाइनली को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स टैरी करेंगे सो तो टैरी तो करने के लिए भी अ बुक ओके okay. सो so, कितना अमाउंट आएगा थ्री लैख नाइन्टी प्लस वन लैख फिफ्टी फोर ये हो गया फोर लैख नाइन्टी फोर लैख एटी फोर लैख एटी प्लस सिक्सटी फाइव लैख फोर्टी ओके और ये कितना है डेढ़ लाख है। अच्छा ये नब्बे और छः डेढ़ लाख डेढ़ लाख तीन लाख तो तीन लाख नब्बे और तीन लाख कितना होगा छः लाख नब्बे हो जाएगा छः लाख नब्बे और छः लाख नब्बे और कितना पाँच लाख दस हज़ार जीरो 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 वन कैरी दैट कम्स टू हम स्टूडेंट्स ट्वेल्व लाख रुपीज़ आ रहा है मेरा टोटल और यहाँ पे नाइन्टी थाउजेंड है तो नाइन्टी थाउजेंड को भी कैलकुलेट करेंगे दैट कम्स टू ट्वेल्व लाख नाइन्टी थाउजेंड सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्वेल्व लाख नाइन्टी थाउजेंड रुपीज़ असैड साइड कैलकुलेट करते स्टूडेंट्स तीन लाख साठ तीन लाख तो दैट कम्स टू सेवन लाख रुपीज़ तीन छः सात सात आठ नौ नाइन लाख एटी नाइन लाख एटी फाइव थाउजेंड फिर ये कितना हो गया स्टॉक वन लाख है ये भी वन लाख है और ये दो लाख पंद्रह हजार दो लाख पंद्रह हजार जीरो 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 सो एट प्लस वन नाइन आएगा यहाँ पर और वन कैरी जीरो पे टेन हो गया वन कैरी टेन और ट्वेल्व so, सोश ट्वेल्व लाख आएगा और यहां पे भी जैसे अमाउंट लैख सो so, हमारा अमाउंट ट्वेल्व लाख आ रहा है स्टूडेंट्स दोनों बाजू और हमारा सम हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर डेली

कमेंट कर लेना इस बार थोड़ा कुछ हाउ डू फाइंड द वीडियो एंड आई होप इट इज बींग यूजफुल टू यू सो वी हैव कम्पलीटेड एंड लैंड लाइन पार्ट यहाँ पर सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट आ सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स बाय